Namaskar and welcome to Agenda. I am Charu Karthike. There's a slight change in the format of Agenda today because there will not be any question hour in the House from today onwards till the time the Lok Sabha continues to function for this session, which is likely to be from today till March 25th. This is an extension of the first part of the budget session. So there will be proceedings in which demands for grants for various ministries will be discussed. As far as today's business is concerned, there will be demands for grants under the control of Ministry of Mines and other control of Ministry of Highways and Road Transport. So what are the issues regarding these sectors? That's what we'll be trying to find out in this edition of Agenda. स्वागत है आपका. प्रश्नकाल भले ही ना हो लेकिन कई अहम विधायी कामकाज हैं आज के एजेंडे की अगर बात करें, और उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान. हमारे साथ हैं सज्जन सिंह वर्मा, आप उस सांसद हैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं. श्रीमती पूनम जाट, आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से गुजरात से. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. और चर्चा की शुरूआत करें उससे पहले डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर. बजट अधिवेशन के विस्तारित सत्र की आज पहली बैठक होगी. विस्तारित सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं होता, लिहाजा आज लोकसभा की बैठक भी प्रश्नकाल के बगैर ही होगी, और यह सिलसिला 25 मार्च को होने वाली अंतिम बैठक तक जारी रहेगा. आज लोकसभा में कल अधूरे छोड़े गए कामकाज पर आगे की चर्चा होगी. कल विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब तो मिल गया था, लेकिन खान मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा अधूरी रही थी. आज इस मंत्रालय की चर्चा पूरी करने के साथ ही सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. इसके अलावा प्रणब मुखर्जी विनियोग विधेयक पर भी चर्चा कराना चाहेंगे. आज प्रश्नकाल तो नहीं होगा, लेकिन सदन का कामकाज शुरू होने से पहले जरूरी कागजात सदन में रखे जाएंगे. संसदीय समितियों की रिपोर्ट और मंत्रियों के बयानों के साथ ही लोकहित के जरूरी मुद्दे भी शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं. ज्ञानेंद्र पांडे, लोकसभा टेलीविजन. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं. खनन मंत्रालय को लेकर आज चर्चा आगे बढ़ाई जानी है. सज्जन सिंह वर्मा से चर्चा की शुरुआत करेंगे. सज्जन सिंह वर्मा जी, हमारे यहाँ पर जो खनिज संपदा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जो मामला खनन पर आकर टिकता है तब कहीं मामला कुछ और तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आती है. उसकी क्या दिक्कतें भारत सरकार के सामने हैं जिसके चलते हम अपने जो लक्ष्य हैं उनको हासिल नहीं कर पा रहे, और मांग और पूर्ति के बीच जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो माइनिंग के मामले में सबसे रिच माना जाता है, पर जब भी कोई विषय आता है तो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था के ढांचे में गड़बड़ पाई जाती है. स्टेट और केंद्र दोनों के हित जहां टकराते हैं वहां पे कमजोर स्थिति बनती है. तो इतना रिच होते हुए माइनिंग के संदर्भ में भारत राज्य और केंद्र सरकार के नियमों के टकराव में कहीं पर्यावरण क्लियरेंस नहीं है, कहीं वन फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, कई तरह की मसले आते हैं जो कायदे से ये बार बार मांग उठती रही कि फॉरेस्ट क्लियरेंस में बड़ा लंबा समय लगता है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस जाए तो पर्यावरण के एनओसी में बड़ा समय लगता है. तो कहीं ना कहीं इसको लचीला बना के आपको यदि माइनिंग का उत्खनन करना है तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक अच्छी नीति बनाना चाहिए. ओके, सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू आर पॉइंटिंग आउट. वन इज द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, एंड सेकेंडली द लैक ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पॉलिसी एज फार एज एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज आर कंसर्न्ड. पूनम जी, डू यू ऑल्सो थिंक दैट दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स इज द मेजर रीजन फॉर द वे आर माइनिंग सेक्टर इज सफरिंग? या इवन आई थिंक सो के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज देयर बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड वन मोर थिंग आई सीन वेन आई सिट इन द लोकसभा के दे कीप ब्लेमिंग लाइक के मेनी टाइम्स इवन अवर सेंट्रल मिनिस्टर्स कीप ब्लेमिंग के बिकॉज द स्टेट इज नॉट डूइंग दिस, स्टेट इज नॉट डूइंग दैट, दैट्स वाई वी हैव दिस प्रॉब्लम्स. सो देर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लाइक यू सेड इट इज वेरी ट्रू, एंड देर शुड बी वन लाइक यू नो सम कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड दे शुड मेक सच पॉलिसीज विच आर इवन फ्रेंडली फॉर द स्टेट एंड फॉर द सेंट्रल. क्यों नहीं पहल इस तरीके की केंद्र के स्तर पर होती है कि राज्य सरकारों के नुमाइंदों को साथ बैठाया जाए, और जो खनन से जुड़ा पूरा मामला है, कोयले पर कल हमने चर्चा देखी जिस तरीके से प्रश्नकाल के दरमियान श्रीप्रकाश जायसवाल बता रहे थे तमाम चीजों को, क्यों नहीं एक आम सहमति बनाने की, एक जवाबदेही तय करने की पहल होती? असल में क्या है, कल कोयले के ऊपर जो बहस हुई बड़ी सार्थक और सकारात्मक थी, लेकिन दिक्कत वहीं आई
कि जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार को हमने कोल ब्लॉक दिए केंद्र सरकार ने तमाम सारे, उसमें से 11-12 तो आज तक चालू ही नहीं किए उन्होंने. इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार को कोल ब्लॉक दिए, 10 ब्लॉक उसमें से आज तक चालू नहीं हुए. तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी पाई गई. तो हमारे माननीय कोयला मंत्री जी ने स्वीकार किया कि चूंकि कोयले की संपदा हमारे देश में कम है, इसलिए हमने निर्यात करने का भी प्रबंध कर रखा है. बात आपकी ये सही है जो मैंने शुरू में कहा कि राज्य सरकार का समन्वय हर दृष्टि से, हर चीज में, हर विषय में अत्यंत आवश्यक है. कहीं ना कहीं पहल हुई है, पर राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति इसमें कम दिखाई देती है, ये हम लोग परिलक्षित कर पाए. प्रणजी, अनदर इश्यू विच मिस्टर वर्मा हैड आल्सो रेज्ड इन द बिगिनिंग इज अबाउट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस, अबाउट द लैक ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पॉलिसीज एज फार एज एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंसर्न. दिस इज आल्सो अनदर इश्यू विच इज हैम्परिंग द माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. वी हैव सीन दिस मेजरली इन द कोल सेक्टर, वेयर वी हैव वेरी एम्बिशियस टारगेट्स ऑफ जनरेटिंग पावर इन आर कंट्री, बट वी आर नॉट बीइंग एबल टू हार्नेस कोल रिसोर्सेज बिकॉज क्लियरेंसेज फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स आर स्टिल पेंडिंग विद द मिनिस्ट्री. व्हाट डू यू थिंक शुड बी done to streamline the process of clearance given for mining projects? Yeah, even I think a lot of time is taken for the clearance of any project. So there should be a easy policy. Even why do you think that happens? Because even there also some clashes there between the state government and the central government. Because of that even, and because many coal blocks have been given to the state governments, but they are not working on that. Maybe one of the problem is the clearance matter. And then one more thing is there, there should be some problem with the state, like Chhattisgarh government must be having some problems. So they are not able to operate because, but naturally everybody can eat his coal nowadays. So there must be some problems for them. So even the central government should see to it what problems they are facing and work on that also. Because without a coordination you can't work. लेकिन सचिन सिंह वर्मा, समन्वय की आप बात कर रहे हैं, सामंजस्य की बात कर रहे हैं, वो अब मामला केंद्र और राज्य तक ही सीमित नहीं है, वो आपके मंत्रालय के भीतर भी आकर सिमट गया है. कौन से एरिया ऐसे हैं जो नो गो के दायरे में आते हैं, कौन से ऐसे हैं जो गो के दायरे में आते हैं, और 203 तकरीबन जो कोल ब्लॉक्स हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और एक काफी बड़ा जो कोयले का उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है. जयराम रमेश की एक अलग राय है और अलग अलग मंत्रालयों की इस मुद्दे पर अलग राय. आपको लगता है कि जो बातें हैं कुछ ऐसी निकल कर आए जो व्यावहारिक हों और संभव हो सके, कम से कम सामंजस्य स्थापित हो? नहीं, कल जो माननीय मंत्री जी का जवाब था कोयले के प्रश्न पे, उसमें उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हम इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बिठाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे एक बात तो सबसे बड़ी कि हमारे यहां का कोयला उस मानक स्तर का नहीं है जो होना चाहिए. उसके बाद भी हमारी कोशिश है, तो पिछले वर्ष जो टारगेट था 31,000 करोड़ टन कोयला उत्खनन किया गया 30,000 टन के बजाय, तो ये कोयला मंत्री ने स्वीकार किया कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि कोयले का उत्पादन बढ़ सके, और जिन राज्यों को कठिनाई आ रही है कोल ब्लॉक के उत्खनन में, वो कहीं ना कहीं हम लिबरल पॉलिसी बना सके, ताकि जिस तरह से आपने जयराम रमेश का जिक्र किया, निश्चित रूप से पर्यावरण की सबसे बड़ी कठिनाई आती है, और दूसरी बड़ी कठिनाई आती है कि कोल ब्लॉक्स जहां पे हैं सारी की सारी आदिवासी बेल्ट है, वनवासी लोग यहां पे रहते हैं, उनके पुनर्वास का भी एक बड़ा ये काफी अहम मुद्दा है कि भूमि अधिग्रहण का समस्या फिर जुड़ती है जब खनन की बात होती है, और पुनर्वास सबसे बड़ी समस्या है. बड़ी समस्या ये है, इसके बारे में हम आज तक बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाए कि वनवासियों को अपने ठीक जगह से विस्थापित करके उनको सारी सुविधाएं जुटा दे, तो ये कोल ब्लॉक के खनन में बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाए. इन गुजरात वी हैव ऑल्सो वी हैव हर्ड ऑफ वेरियस इररेगुलरिटीज, वेरियस केसेज रिगार्डिंग the mining sector which have come up, against which RTI activists, social activists have been fighting. In fact, a couple of months back one RTI activist was also murdered. Amit Jetwa was murdered regarding illegal constructions fighting. He was fighting against illegal mining activities both in Gujarat and Rajasthan. So obviously there is a very very long belt of these states which are very rich in mineral resources, but there is a lot of illegal activity going on as far as mining is
is concerned, and that is also believed to be hampering this sector. What do you think can both state governments and central government do to counter this? In fact, it is not only there in Gujarat. Whatever any state you see, illegal mining is a little bit of a problem. I won't say ke, because Amit Jetwa was, he is not the only RTI activist who was killed in Gujarat. Everywhere in India, see, somewhere such matters keep coming. And that is, you know, I feel it is not right, because illegal mining is a problem and it should be faced, you know, with coordination with the, from the central government and the state government, because the problem is for both the governments. लेकिन कई बार राजनीतिक संरक्षण भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, खासतौर से कांग्रेस ही जिस बात को उठाते हैं वो कर्नाटक का हवाला देते हैं, कर्नाटक का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जो राजनीतिक संरक्षण है वो अवैध खनन के मामले में सबसे बड़ी समस्या है. हो सकता है ये एक समस्या हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे को दोषारोपण करने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकल आएगा ना. इसके लिए एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से रास्ता निकल सके. अगर आप बैठे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में और सारा दिन आप कर्नाटक की बातें कर रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है. वहां पर कुछ जो गलत काम हो रहा है उसे रोकने के लिए आपने क्या किया, ये भी तो देखा जाना चाहिए. वर्मा, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि विगत कई दिनों से कर्नाटक का मामला उठ रहा है अवैध माइनिंग उत्खनन के बारे में. बात सही है कि सबसे बड़ा भूमाफिया, ये माइनिंग माफिया पूरे देश में कहीं है तो कर्नाटक में है. ये सारे अखबार मीडिया चैनल दिखा चुके हैं और कई बार केंद्र सरकार से जवाब तलब भी प्रदेश सरकार को किया गया, लेकिन चूंकि वहां पे येदियुरप्पा साहब की सरकार है तो ये माना जा रहा है कि एक बड़ा तगड़ा संरक्षण उन माइनिंग माफियाओं को दिया गया है. केंद्र की एक सीमा है, केंद्र एक सीमा तक इंटरफेयर करता है, बाकी तो चूंकि आपकी स्टेट है आपको उसकी रॉयल्टी मिलना है, आपको उसकी धनराशि मिलना है. यदि स्टेट की गवर्नमेंट ही उसको प्रमोट करेगी अवैध उत्खनन को तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. फिर राज्य चिल्लाते हैं कि केंद्र हमारे राज्य सरकारों के अधिकार में. Okay, so you're saying that the Karnataka government under Mr. Yediyurappa should take concrete steps to counter this menace. But you refer to media reports which have brought out the anomalies which are there, or the corruption which, or the illegal mining which is going on in a rampant fashion in Karnataka. Media reports have also pointed out that the same players who are involved in illegal mining in Karnataka, they have very huge interests in Andhra Pradesh also. Yeah, what can the Andhra Pradesh government do about it? Andhra Pradesh में करके कर्नाटक में शिफ्ट हो गए. आंध्र में भी अभी उनके माइनिंग की सत्ता स्थापित है. रेडी बंधु के मैं तो स्पष्ट नाम लेता हूं कि रेडी बंधु है, पर उन्होंने सारा की सारा समेट के कर्नाटक को केंद्रित कर दिया है. तो आंध्र सरकार जो कर सकती है वो कर रही, पर पूरा उनका जो केंद्र बिंदु इस समय है कर्नाटक है. चलिए, आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में इस तरीके की तस्वीर अब नहीं है अवैध खनन को लेकर, चूंकि हो सकता है वहां पर कांग्रेस सत्ता में है इसलिए आपको ऐसा लगता हो, और आप ये भी मानते हैं कि कर्नाटक की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है अवैध खनन की. लेकिन विस्थापन और पुनर्वास ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है जब हम बात करते हैं खनन की और मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर. फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. छोटे से ब्रेक के बाद
Welcome back. You're watching Agenda, and today we are discussing the demands for grants under various under the control of various ministries, which are likely to be taken up in the House today. Apart from minerals and mines, there's the demand for grants under the control of highways and road transport is also likely to be taken up. Mr. Verma, your government has fixed a very ambitious target of creating 20 kilometers of roads per day. In the year 2010-11, this was an average of 12.3 kilometers per day as far as the annual average is concerned. In some months, it was even as low as 2 kilometers or 3 kilometers per day. Very poor, very dismal performance in this sector. What is the reason? बड़ी स्पष्ट बात है, जब तक आप एक टारगेट नहीं रखोगे सामने, एक लक्ष्य सामने नहीं रखोगे, तब तक उसको अचीव करना तो बहुत दूर की बात होगी। हमारा टारगेट था हमारी सरकार का कि 20 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनना चाहिए, पर हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। देखिए, उसके पीछे फिर मैं एक कारण बताता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात बताता हूँ आपको। मेरे यहाँ एक नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे 3 निकल रहा है, मेरी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा कवर करता है, बॉम्बे से आगरा। 4000 करोड़ का 4 लेन बनना है, वहां टेंडर हो गए, सब हो गए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। जो लैंड एक्विजिशन है, ये दूसरे मसले हैं, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो राज्य सरकारों का सबसे बड़ा तकलीफ है कि कोऑपरेशन नहीं मिलता है। इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में राज्य, अभी मैं एक और थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, नेशनल हाईवे के साथ साथ सीआरएफ और उसमें है जी सेंट्रल रोड फंड। मेरे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 सड़कें मंजूर हुई, जिनके 2 बार राज्य सरकार को टेंडर निकालना पड़ता, 2 बार टेंडर निकाले, 2 ही बार कैंसिल, बीच में प्रक्रिया रोक के, चूंकि भाजपा की सरकार मेरे मध्यप्रदेश में, कैंसिल कर दी। अब 3री बार टेंडर हुए तो उन सड़कों को हटा के जो बीजेपी के क्षेत्र में सड़कें हैं उनके टेंडर निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति राज्य सरकारों की इस बारे में कम है, उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरना है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब आप लक्ष्य तय करते हैं कि हम 20 किलोमीटर औसतन प्रतिदिन सड़क बनाएंगे, तो उससे पहले कम से कम राज्य सरकारों के साथ बैठकर कुछ सहमति बना ली जाए, ये जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है कम से कम इनको तो ना रखा जाए, वरना आप 1 महीने में 2 किलोमीटर दो बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, मैं खुद उन बैठकों में था अधिकारियों के साथ। उस बैठक के समय तो मुख्यमंत्री ये सब हाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही अपने स्टेट में जाते हैं, दिल्ली छोड़ गए, कि उनका रुख में परिवर्तन आ जाता है तो कोऑपरेशन नहीं मिलता। मैंने खुद अपनी आंखों से ये बात देखी। आपको ये बात लगती है कि राज्यों की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए केंद्र की योजनाओं को, वो नहीं मिल पाता? मैं इनकी बिल्कुल बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ठीक है, सारे राज्यों में तो बीजेपी की और दूसरी सरकारें नहीं है, कुछ तो राज्य इनके भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को ले लो, तो क्या वहां पर ये 20 किलोमीटर बना सके हैं सड़कें? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप देखिए, आप कैसे कह सकते हो कि सारी सरकारें तो आपके पास इनकी बात सुनिए जी, तो परसेंटेज ज्यादा की या कम की बात नहीं है, जहां आपकी खुद की सरकारें हैं वहां भी जो आप ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम कैसे कर सकते हो? ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो अपना दोष का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना हुआ। क्या आपको लगता है जिसका जिक्र यहां पर अभी सज्जन सिंह वर्मा जी भी कर रहे हैं, ये वास्तव में बुनियादी समस्याएं हैं जो इस तरीके के लक्ष्यों को पाने में समस्या खड़ा करती है? जैसे भूमि अधिग्रहण एक अपने आप में बड़ी समस्या है, लैंड एक्विजिशन एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनिशिएट नहीं करना चाहती, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि गुजरात में मैं देखती हूं कि मोदी साहब बिल्कुल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात का हो, तो वो उसमें बहुत मदद करते हैं, हमारे जो अधिकारी वर्ग है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है आज गुजरात, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रही हो कि तभी आज स्टेट इतना आगे बढ़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अबाउट द एग्जांपल ऑफ गुजरात, देयर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज रन बाय द बीजेपी, द प्लान इज ऑब्वियसली सेंट्रल, द एम्बिशियस टारगेट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द सेंटर, बट द गवर्नमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी। हुड्डा साहब अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान है वहां हमारा टारगेट बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, हरियाणा में बढ़ा हुआ मिलेगा। मैंने अपने प्रदेश का उदाहरण दिया, 4000 करोड़ की 500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की योजना है, वहां का स्पष्ट उदाहरण दिया, उसके टेंडर हुए 5 माह हो गए, 5 महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपको लगता है कि गुजरात का जो मॉडल जिसको आप आदर्श मॉडल बता रही हैं, वो मध्य प्रदेश की सरकार को भी अपनाना चाहिए, अगर संभव हो सके, कोई उस पर राजनीतिक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और है, और वो अपना भी रहे और अच्छे काम भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी कमलनाथ जी तो वहां के मंत्री भी थे, खुद मध्य प्रदेश से थे, तो उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था उस जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें हटा दिया गया के सरकार और उनको चेंज कर दिया गया। कैसे करें ऐसा नहीं होता। लेकिन भूमि अधिग्रहण के साथ साथ कुछ और मुद्दे भी जो अक्सर जानकार गिनाते हैं सड़क और राजमार्ग से जुड़े, वो ये कि कई बार बारिश जो सारे प्रोजेक्ट है उनको प्रभावित करती है, जो मानसून का समय है उसके चलते जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो पाते, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो लक्ष्य हासिल करने की रफ्तार है वो बहुत पीछे है, लगभग 10% भी हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए। तो आपको लगता है जब हम सड़क परिवहन की बात करते हैं, राजमार्ग की बात करते हैं, तो इस तरीके की वास्तव में जमीनी दिक्कतें हैं, ऐसे में लक्ष्य हासिल करना बड़ा मुश्किल है। बात तो जरूर सही है कि कुछ ऐसे माफिया अफेक्टेड एरियाज हैं जो नक्सल प्रदेश हैं, वहां पर थोड़ी तकलीफ रहती है सड़कें बिछाने में, क्योंकि वो थोड़ी तकलीफ सरकार को रहती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम रहता है। ये प्रॉब्लम हमें गुजरात में भी रहा है, लेकिन हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी निपटा जाए लैंड एक्विजिशन, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रही है और वहां ज्यादा काम नहीं करी, ये इनका स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है लैंड एक्विजिशन की, तो सेंट्रल को इंटरफेयर नहीं करता। अभी 1100 किलोमीटर की एक सड़क अरुणाचल के लिए मंजूर की है, नेशनल हाईवे, वहां पे भी दिक्कतें इस तरह की हैं, कांग्रेस की सरकार है लेकिन दुर्गम इलाका है, बिल्कुल घाटियों पहाड़ियों का है, फिर भी वहां पे इच्छा शक्ति है तो वहां पे काम आरंभ हो गया। तो राज्य सरकार सिंह जी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो वहां इच्छा शक्ति है और दूसरी सरकारें हैं तो वहां इच्छा शक्ति नहीं, ये बात। देखिए मैं अरुणाचल का उदाहरण इसलिए दिया कि बड़ा दुर्गम प्रदेश है वो, आप और हम सब जानते हैं चाइना का इफेक्ट उस पे है, वहां चाइना की छाया पड़ी। लेकिन क्या आपको लगता है जो भूमि अधिग्रहण का समस्या जटिल है वो इसीलिए है कि जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है वो और जो बाजार में उस जमीन की कीमत होती है वो, उसमें अभी भी भारी अंतर है? निश्चित रूप से किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता, और इस देश का दुर्भाग्य कहूं मैं कि फर्टाइल लैंड हम इतनी ज्यादा अधिग्रहित कर चुके हैं, चाहे सड़कों के नाम पे हो या औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने के मामले में हो, कुछ भी मामला हो, हम फर्टाइल लैंड को हम एक्वायर कर चुके हैं, क्यों नहीं हम उन इलाकों में जाते हैं? हजारों हजार एकड़ जमीन फर्टाइल नहीं है, जंगली जमीन हम जिसे बोलते हैं पड़ी है, वहां क्यों सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करती कि वहां औद्योगिक नगरी बसाई जाए, वहां पर कोई उद्योग लाए? तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं। अनदर इशू विच इज हैम्परिंग दिस सेक्टर इज अ कॉमन इशू विच वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइनिंग सेक्टर, एंड दैट इज ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। सो आई मीन वी अगेन कम बैक टू द प्रॉब्लम दैट हाउ अ लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स इन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, हाउ इज इट अफेक्टिंग वेरियस सेक्टर्स एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिस कंट्री इज कंसर्न, हाउ डज वन डील विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एज फार एज हाईवेज आर कंसर्न? देखिए जयराम रमेश जी का मामला है, मैं मेरी जितनी जानकारी है मेरी नजर में जयराम रमेश सबसे अच्छे मंत्री अभी तक जो पर्यावरण मंत्री के रूप में, फॉरेस्ट और पर्यावरण मंत्री के रूप में है, मेरी नजर में जयराम रमेश बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी प्रदेश में हो, जहां पे इन मापदंडों का पालन नहीं किया गया वहां पे, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो हमारी गवर्नमेंट वहां हस्तक्षेप करके प्रोजेक्ट का, ये बात सही है। बट फॉर हिज एनवायरमेंटल एक्टिविज्म ही हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम हिज ओन कॉलीग्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आलोचना हुई है इन सारे विषयों पे, पर्यावरण के विषय पे, फॉरेस्ट क्लियरेंस के बारे में। तो ये अभी कल भी स्पीच थी हमारे लोगों की लोकसभा में, उसमें भी इस बात का जिक्र आया कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा इन सारे मुद्दों पे, तब जाके हम ये विकास और इस देश को आगे बढ़ाने की बात कर पाएंगे। तो ये बात सही है कि कोई बड़ी अच्छी योजना आती तो फॉरेस्ट का और ये आपके एनवायरमेंट का बड़ा रगड़ा, और अधिग्रहण भी अपने आप एक बड़ी समस्या है। गुजरात में आप जिक्र करें, गुजरात से आप खुद हैं, वहां पर कई प्रोजेक्ट्स को लेकर जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं इस वक्त, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता है इसको लेकर भी किसी एक नई नीति की जरूरत है, या कम से कम जो नियम बनाए हुए हैं उनको सही तरीके से उनका पालन किया जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो नियम बनाए उनको सही तरीके से पालन करना चाहिए, और जो लोग वहां बसते हैं उनकी उस बारे में क्या विचारधारा है ये भी बहुत महत्व की बात है। और जहां तक जयराम रमेश जी की बात करूं तो हमारे कच्छ में ही एक एनवायरमेंट को लेकर 27 साल से एक रोड अटका हुआ था, उसको जाकर कहीं अब क्लियरेंस मिला है, क्योंकि वो हमारे जो गुड़खर सेंचुरी है उसके बीच से गुजरता है,
तो उसको उन्होंने क्लियर किया, तो बहुत जगह पर वो अच्छा भी काम कर रहे हैं, मानूंगी। और दूसरी बात, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के एयरपोर्ट की बात करूं, वो नवी मुंबई का, पहले वो उसका विरोध कर रहे थे और वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब वो उसके लिए मान गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जैसे लचीलेपन की बात कर रहे हैं, वैसे लचीलापन तो हो जाता है सरकार के दबाव में। चलिए, राजनीतिक मजबूरी के चलते लचीलापन आपको दिख रहा है, लेकिन सड़कों की जो स्थिति है, खासतौर से जो नेशनल हाईवे 70,000 किलोमीटर के आसपास का हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें से 25% अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जो सिर्फ सिंगल लेन है, लगभग 50% राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जो डबल लेन है, और सिर्फ 23% के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर देखते हैं, बाकी देशों में जाकर आप देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अभी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और उसके लिए भारी निवेश की भी जरूरत है? निश्चित रूप से बदलाव की आवश्यकता है। आज भी हम बहुत पीछे हैं नेशनल हाईवे के मामले में। अभी जब कमलनाथ जी थे उस समय मैंने खुद योजनाएं देखी, जैसे मैंने अपने उदाहरण दिया कि मेरे यहां से 500 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजर रहा है, उसको 4 लेन करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर दिए गए, टेंडर हो गए। तो ऐसी कई जगह हैं जहां 4 लेन करने की व्यवस्था की गई है। ये बात सही कि अभी इसमें आपको, हमारी सरकार को भी 10 साल और लगेंगे जब जाके ये 4 लेन की स्थिति बन पाएगी। कई जगह तो 6 लेन की आवश्यकता महसूस की जाती है, इतना हैवी ट्रैफिक है। तो अभी तो हम 4 लेन की एचयू को टारगेट, और जो सड़क अभी बनी हुई है चारों, वहां पर भी स्थिति काफी खराब है मध्य प्रदेश में। आप सही करेंगे, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से बोर्ड लगाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सड़कें राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नहीं है, केंद्र सरकार की सड़क है, और अगर यहां गड्ढे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार को आप कृपया ना। उसकी जानकारी है, मैं उस मीटिंग में भी था। जो सड़कें बारिश में खराब हो गई थी नेशनल हाईवे, वो तमाम सारे किलोमीटर प्रदेश सरकार को दिए गए थे ठीक करने के लिए, धनराशि भी आवंटित कर दी गई थी, पर प्रदेश सरकार ने उन गड्ढों को ठीक नहीं किया, तो केंद्र सरकार ने वो सड़कें फिर ले ली। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में बड़ी देर हो गई, उसके बाद भी कोशिश की गई कि केंद्र सरकार अपने उससे व्यवस्थाओं से उसको ठीक करे, पर फिर भी ठीक नहीं हुई। As the infrastructure sector is concerned, very high target, very ambitious target, but we are that target is not matching up with the actual amount of money that we are putting in this sector. As far as an percentage of expenditure, percentage of GDP is concerned, we are spending roughly about around 7% of GDP on the infrastructure, whereas it should be, ideally it should be at least 10% of the GDP we're spending on infrastructure. So there's still a gap of about 3%, which comes on when we talk about in actual numbers, it comes on to a very, very big amount. How can we increase this expenditure on infrastructure? I think we should increase our expenditure on infrastructure, and in this we could bring around the PPP mode, public private. So with that we could increase our infrastructure even, and that is very important. When I go to Europe and all the other countries, so they look upon India as a very poor country with a very poor infrastructure. So I think, you know, if we want to build like we say we are one of the best countries in the world now, so infrastructure should be good. I think more important क्षेत्र है, उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जानकार बताते हैं, तकरीबन 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से 36% ज्यादा है लक्ष्य। इसमें 50% जो हिस्सेदारी है वो पीपीपी मोड के जरिए उस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम आने वाले 5 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की और सड़कों की तस्वीर थोड़ी बेहतर हो सकेगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के अखबारों की क्या है किया और उन पर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या है राय, जानेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले हम आप दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने कार्यक्रम में समय निकाला, दोनों मुद्दों पर अपने अहम सुझाव दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।